बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन का अड्डा में। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन का अड्डा। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नातक पार्ट टू सेशन 2019 से 22 का, जिनका अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम चल रहा है। तो इनके जो एग्ज़ाम में गलत प्रश्न देने के कारण, जैसा कि आप लोगों को पता है, कॉमर्स के छात्रों को पार्ट टू के सिलेबस से क्वेश्चन नहीं देके पार्ट थ्री के सिलेबस से क्वेश्चन दे दिया गया था। इसमें बहुत सारे छात्र आक्रोशित भी हो गए थे, हंगामा भी बहुत सारे कॉलेज में हुआ, जैसे LS कॉलेज में किया गया, RDS कॉलेज में किया गया, और ये हंगामा भी किया गया। उसके बाद छात्र नेता कुछ मतलब कि परीक्षा नियंत्रक से बात किए, उसके बाद जो फैसला लेना था उसको मीटिंग बैठाया गया, कमेटी बैठाया गया। कमेटी का जो रिजल्ट है वो मंगलवार को कमेटी जो है विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सौंपेगी। तो आज हिंदुस्तान अखबार में आज एक रिपोर्ट छापा गया है, उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि क्या है पूरा मामला, कैसे क्या जो है मार्क्स कैसे दिया जाएगा बच्चों को पास करने के लिए। तो बहुत सारे बातें हैं जो हम आपको बताएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप देख रहे हैं, गलत सवाल के लिए मिलेगा औसत अंक, औसत अंक आपको गलत सवाल के लिए जो है दिया जाएगा। जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन की बात करें तो BRA बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट टू की कॉमर्स की परीक्षा में आए गलत सवाल पर छात्रों को एवरेज अंक दिए जा सकते हैं, यानी कि छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा, छात्र को एवरेज अंक दे के पास किया जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं, परीक्षा विभाग की तरफ से बनाई गई कमेटी इस बारे पर विचार कर रही है। इस बारे में जो है परीक्षा विभाग की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी वो अभी विचार कर रही है, मंगलवार को वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी। मंगलवार को एक मीटिंग रखा गया है और उम्मीद है कि ये मीटिंग जो है वो छात्र हित में ही हो, छात्र हित कहने का मतलब कि छात्र के तरफ ही हो। उसके बाद देखते हैं, कमेटी के अध्यक्ष विश्वविद्यालय प्रति कुलपति प्रोफेसर रविंदर कुमार ने बताया कि मंगलवार को कमेटी बैठक बुलाई गई है और बैठक में जो होगा उसको हम आपको बताएंगे कि आगे रिपोर्ट आएगा जैसे ही। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको समय समय पे जो भी गतिविधियाँ यूनिवर्सिटी में हो रही है आपको समय समय पर पता चलते रहेगा। उसके बाद देख रहे हैं आप, कमेटी छात्र हित में ही फैसला करेगी। यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि छात्र हित में ही फैसला होगा, यानी कि छात्र को जो अंक है वो एवरेज अंक दे के जो है पास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हम लोग परीक्षा स्थगित नहीं कर सकते हैं, परीक्षा स्थगित करना विश्वविद्यालय का ये प्राथमिकता नहीं है, विश्वविद्यालय ये नहीं कर सकती है परीक्षा स्थगित। उसके बाद देख रहे हैं, और आगे इससे अलग जो भी करना होगा उस पर फैसला लिया जाएगा। पिछले दिनों पार्ट टू की कॉमर्स की परीक्षा में सिलेबस जो है आउट ऑफ जो है अलग पूछे जाने के कारण छात्र ने हंगामा किया था। छात्र ने ये कॉमर्स ऑनर्स के जो अकाउंट ऑनर्स के छात्र थे वो सारे हंगामा किए थे, तो उनका क्वेश्चन गलत था तो बहुत सारा दिक्कत आया था। तो आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों को एवरेज अंक दे के पास किया जाएगा विश्वविद्यालय की तरफ से, ये साफ साफ कह दिया गया है। तो आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग आगे का परीक्षा जो है इसके चक्कर में आगे का परीक्षा ख़राब ना करें, तो आप लोग अच्छे से परीक्षा दें। और आपको हर मतलब कि नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिले। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जो है सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो को देखने के लिए।